والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. واصلا ذنب من بيسر السماء مددي. قبلي مددي. كعبي إمام مددي. انتظار کرم دوست منی عینی را اے خدا جو و خدا دین و خدا دا مددی بدی دا بے بلا افتاد تشکیر رہی خاموش بستارا کو کشکی بحق کی خاجہ عثمان حارون مدد کن یا محمد دین چشکی مدد کن یا محمد دین چشکی مدد کن یا محمد دین چشکی احمد باپو قادری جیلانی مرکز اللہ علی و جمیع عرش مقام سادات اکرام علماء ذویل احترام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لا مکاں، وجہ کل فقاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصے کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے دست پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم. لبوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لبوں میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق دانا کیا، شکر کرم، ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل خاندان غوث اعظم کے عظیم چشم و چراغ
सैयदी पीर गुलाम अली बापू पादरी जिलानी रहमतुल्लाही ताला अलैह के उर्से सराफा कुद्स के मौके पर इनेकार पजीर है और मखदूम गिरामी कद्र सैयदी दादा बापू मुंतज़िर आली का पैगाम हजरत अल्लामा हाफिज अकबर साहब अजहरी मुंतज़िर आली के जरिए से मुझ तक पहुँचा उन्वान के हवाले से तो मैंने उसी मुनासिबत से कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मेरा अल्लाह उसके मुताबिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आफ करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे जब सैयदी गुलाम अली बापू रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की दावत मिली तो मैंने इस खुशी में दावत को कबूल किया था कि मखदूम गिरामी कब्र सैयदी दादा बापू रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं लेकर अपने दामन में लौटूंगा और उनकी ज़ियारत से अपनी आँखों को मुशर्रफ करूंगा। लेकिन शोमी किस्मत के ओर से सराफा कुछ में हाजिर तो हुआ हूँ मगर जिसकी ज़ियारत की तमन्ना लेकर मैं हाजिर था वो मेरी मुराद ज़ाहिरी तौर पर तो पूरी न हो सकी, इसलिए कि इस इलाके का ये ऐसा मर्द कलंदर है पूरे इलाके की सुनियत पर एक अजीम एहसान किया है और जब तक चांद सूरज निकलते और डूबते रहेंगे सैयदी दादा बापू मुंतज़िर आली का ये कारनामा चौदहवीं रात के चांद की तरह इंशाअल्लाह तबारक व तआला चमकता और दमकता रहेगा। उन्हें दराज़ उम्र बिलखैर अता फरमाए और जिस उज्र की वजह से वो यहाँ हाजिर नहीं है यानी कि उनकी अहलिया मोहतरमा मखदूमा सैयदा हज्जन कुलसुमा उनकी अदालत की वजह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक तेरे तमाम अस्माए गिरामी का वास्ता तुझे जिन जिन नामों से तेरे नबियों ने पुकारा उन तमाम नामों का वास्ता जिस नाम से तुझे तेरे महबूब सैयदुल अंबिया ने पुकारा उस नाम का वास्ता तुझे वास्ता तेरे इस्मे आज़म का तुझे वास्ता तेरे चहितों का और प्यारों का कुलसुम माँ को शिफाए कामिला व अजर अता फरमा और जितने अहले ईमान बीमार अल्लाह सबको शिफा नसीब फरमा। आयत करीमा की तिलावत की गई है चूँकि वक्त भी काफ़ी उबा है और महफिल चूँकि महदूद बल्कि जब महफिलें सजती हैं तो लोग ये ऐलान करते हैं कि महफिलों में आओ, ये आज की एक ऐसी महफिल थी जिसके लिए ऐलान था कि भाई बाहर के लोग इस महफिल में ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी बात इतनी है एक बात मुझे याद आ गई कि लोग क्यों ना आए। एक मरतबा का वाकया है, एक बुजुर्ग उनका नाम नहीं लेता अदब की वजह से, एक बुजुर्ग उनका एक हजाम था और वो हफ्ते में एक मरतबा पीर साहब की खत बनाने के लिए आता था। जो मुकर्रा दिन था उस दिन से पहले वो आ गया और उसने कहा हजरत पीर साहब खत बनवा लें, उसने कहा उन्होंने फरमाया बेटा कि वो हजाम भी हजरत का मुरीद था कि जो दिन था उससे पहले तुम आ गए, तो उसने कहा हजरत बनवाना हो तो बनवा ले वरना इस हफ्ते मैं नहीं बना सकूंगा। तो हजाम से फरमाया क्यों वो नहीं बना सकेगा, तो कहा कि सैयदी मसूद सादात गाजी का उर्स है मैं वहां जा रहा हूँ और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उस दिन मैं यहाँ रहूँगा नहीं, इस वजह से आपको बनाना है तो बनवा लीजिए वरना फिर मेरे आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार कीजिएगा मैं उस दिन नहीं आ सकूँगा। तो मुरीद था अकीदतमंद था लेकिन उर्स में जाने का उसका अपना एक शौक था। बहरहाल उन्होंने फरमाया ठीक है जब तू उर्स में जाना, तो चूँकि वो वाकई अल्लाह वाले थे, जब तू उर्स में जाना
तो मेरी एक चिट्ठी मुझे एक बुजुर्ग नजर आएंगे, उनको दे देना। और फिर वो क्या जवाब देते हैं मुझे आकर बताना। इन्होंने खत लिखा, चिट्ठी लिखी, हजाम को दे दी। हजाम बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, और अगर पढ़ा लिखा भी होता तो आज के मुरीदों की तरह चिटर नहीं था। इतना माशाल्लाह कि पीर का खत भी खोल करके देखता और पढ़ता। उस वक्त तो अभी तो पीर साहब अगर स्टेज पे बैठ करके मोबाइल देख रहे हो तो मुरीद झांक करके देखता है कि पीर साहब देख क्या है। लोगों का हाल ये भी है, लोगों का इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हालात बड़े नाजुक हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, अल्लाह हू अकबर। लेकिन वो मुरीद था, वाकई मुरीद था, सच्चा मुरीद था। चिट्ठी लपेटी, पीर साहब ने दे दिया और वो ले करके गया तो देखा कि घोड़े पर एक नकाबपोश है, और वो नकाबपोश आते हैं और ये चिट्ठी जो जगह बताई गई थी वहाँ मुलाकात होती है, वो चिट्ठी देते हैं। और देने के बाद जब वो पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद, चूँकि मुलाकात के वक्त जब वो नकाब उलट दिया गया था, तो वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद उसकी पुष्ट पर कुछ लिखते हैं, ले जाना तुम्हारे पीर साहब को दे देना। वो हजाम ले करके आया और उससे जब खत्म हुआ, पीर साहब को दिया तो वो भी मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा, हजाम साहब ने, पीर साहब वो बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हो, आपने क्या लिखा था कि मुस्कुराया, और उन्होंने क्या लिखा कि आपने मुस्कुराया। और फरमाया, बेटा तुझे नहीं पता कि वो बुजुर्ग कौन थे। क्या हुजूर वो कौन थे? फरमाया, वही मसूद सरदार गाजी थे जिसके उर्स में तू गया था, वही मसूद सरदार गाजी थे बेटा। तो कहा कि आपने क्या लिखा जिससे वो हंस पड़े। कहा, मैं लिखा कि बस भी करो ना, मैंने लिखा बस भी करो ना, लोगों को काम धंधा छोड़ के अपने उर्स में बुला लेते हैं, लोगों का काम धंधा छुड़वा कर अपने उर्स में बुला लेते हो, जरा बस भी करो ना। ऐसे हमारे मुरीद भी जो है वो हमारी खिदमत छोड़ करके उर्स में आपके जा रहे हैं, लोग काम धंधा छोड़ के उर्स में जा रहे हैं। तो उन्होंने यही पढ़ करके मुस्कुराया और पीछे उन्होंने लिखा कि जब अपने मुरीद को तुम नहीं रोक सकते उस में आने से जब अपने मुरीद को तुम नहीं रोक सकते, तो इतने बड़े हजारों के मजमे को मैं कैसे रोक सकता हूं। उर्सों से रोकने की 100 साल से तहरीकें चल रही है कि ना जाओ ना जाओ, लेकिन कोई उर्स ऐसा नहीं है 100 साल के अंदर जिसके अंदर पब्लिक कम हुई हो, बल्कि पूरे 100 साल की तहरीके मांद पड़ गई है, लेकिन उर्स की रौनक अब भी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि उर्स में अल्लाह पर लोग पोस्टर और ऐलानात की वजह से नहीं जाते, बल्कि उर्स में इसलिए जाते हैं कि खुदा इन औलिया से मोहब्बत करता है, तो उनकी मोहब्बत को अल्लाह ने लोगों के दिल में उड़ेल दी है, इसलिए लोग वहां जाते हैं और करके अपने खाली दामन को गौहर बुराक से भरते हैं अल्लाह पर। और उस समय हाजिरी की खुसूसी बरकतें अगर लोग महसूस कर ले तो याद रखे, एक बात मैं उसके हवाले से अर्ज करूं, अल्लाह पर आप किसी दिन वली के मजार पर जाएं, आपको फैज मिलेगा, आपको बरकत मिलेगी, साहिब मजार की तवज्जो होगी। लेकिन अगर सारे औलिया की बरकत, हत्ता के अली पाक की बरकत, हत्ता के गौस पाक की बरकत, अगर आपको सब की बरकत एक ही मजार में लेना है, तो वो उर्स के दिन नसीब होती है। वो कैसे नसीब होती है? शाह वलीउल्लाह लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि एक मर्तबा रबीउल आखिर की 11वीं शब थी और मैं मस्जिद नबवी में मौजूद था, तो मैंने क्या देखा कि असाब सुफा के चबूतरे पर अली के मुर्तजा भी खड़े हैं और पीछे सारे वली खड़े हैं, और उनका अंदाजा देख करके लगता है कि सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस वक्त मैंने पूछा, मेरे मौला इतने सारे वलियों की बारात लेकर कहां जा रहे हैं? तो मौला अली ने कहा, वलीउल्लाह क्या तुझे पता नहीं है आज अब्दुल कादिर का उर्स है। सारे वाली
उसकी अहमियत ये है, उसकी बरकत ये है। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, मैंने अल्लाह के वलियों की शान के हवाले से कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा जो हमारे कमोबेश हर उर्स में पढ़ी जाती है, अल्लाह ने वलियों की क्या शान बयान फरमाई। कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगा हो जाओ बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ है ना गम है, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं, उन्हें किसी चीज का गम नहीं। अल्लाह पर लोगों का हाल ये है, औलाद हो तो लोगों को जो वो गम होता है, औलाद हो तो गम होता है, औलाद हो तो खौफ होता है, ना हो तो गम होता है, माल ना हो तो जो वो माल हो तो खौफ होता है, ना हो तो गम होता है। यानी ज़ाब्ता ये है, कोई नेमत मौजूद न हो तो इंसान गमगीन है और नेमत मौजूद हो तो इंसान को खौफ है। मिसाल के तौर पर जिसके पास औलाद नहीं वो गमगीन है कि मेरे पास औलाद नहीं है, और जिसके पास है वो खौफजदा है तो सही लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इंसान खौफ और गम के दरमियान जीता है, नहीं है तो गम है तो खौफ है। किसी के पास दौलत नहीं है तो गम है, मेरे पास दौलत नहीं। किसी के पास है तो खौफ है मगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे, पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना हो तो गम है, हो तो खौफ है, लेकिन जमीन के ऊपर आसमान के नीचे एक मखलूक ऐसी है जिसे वलीउल्लाह कहते हैं, अल्लाह का वली कहते हैं, उसको ना गम होता है ना खौफ होता है। ना होने का उसको कोई गम नहीं होता, होने के बाद उसको छिन जाने का कोई खौफ नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि खुदा जिसका हो जाता है, खुदा जिसको अपना बना लेता है, ना फिर उसको कोई खौफ होता है। इसलिए कि जिसका खुदा हो जाए और खुदा जिसको अपना बना ले, फिर उसको गम किस बात का है। इसलिए कि बड़े बड़े बादशाह वलियों की चौखट पे नजर आते हैं, लेकिन वली कभी बादशाह की चौखट पे नजर नहीं आता। सिफत बयान, मैं जिसको वली कहूं
और वली की दो सिफत है, सिर्फ दो सिफत, उनकी दो शाने हैं और दो सिफत है। दो शाने क्या? ला खौफुल अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको गम है ना उनको खौफ है। जी उसको आप करबला में देखें, करबला में देखें, चार काफिले अगर सामने खड़े हो जाए तो बड़े बड़े पहलवानों की टांगे कांपने लगती है। तवज्जो करें, हाँ मौजूदा दौर में आप देख लें, बल्कि चार नहीं, अगर एयरपोर्ट पर कोई टेढ़ा तिरछा दिख जाए तो इंसान सफर कैंसिल कर देता है ना। लेकिन 22,000 का लश्कर सामने है, 22,000 का लश्कर, इमाम उसको देख करके खौफ सदा नहीं है, इमाम देख कर खौफ सदा नहीं है, और खानदान लुटाकर हुसैन गमगीन नहीं है, राह दिखलाए किसे, राह रबे
मंजिल ही नहीं। कुरान कहता है वलियों की दो शान है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन ये जो दो शान मिलती है वो दो सिफतों की बुनियाद पे मिलती है, और वो दो सिफत क्या है, अल्लदीना आमनू। अगर तू मोमिन हो जाए तो अल्लाह तेरा तेरा गम दूर कर दे। अगर तू मोमिन हो जाए तो तेरा गम दूर कर दे। क्यों? इसलिए कि मोमिन वो है। तवज्जो करना, मोमिन होने की बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात करके चुके उनवान पे जल्दी आ जाए। मोमिन वो है जो अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। ठीक था, तो जो मोमिन हो जाए अल्लाह उसके गमों का इलाज कर देता है। क्यों? इसलिए कि अगर लैला की मोहब्बत मजनू को हर गम से बेगाना कर सकती है, लैला की मोहब्बत अगर मजनू को हर गम से बेगाना कर सकती है तो कुजा लैला, कुजा महबूबे खुदा। मोहब्बत गमों को दूर कर देती। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई ऐसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह अकबर, वो जब याद आते हैं सारे गम इंसान भूल जाता है। अल्लाह अकबर, वो तसव्वुर में आए तो गम भूल जाता है, अगर वो खुद तशरीफ ले आए तो फिर गमों की कैफियत क्या होती होगी, गमों की औकात क्या होती होगी। लोग अगर गमों से निजात चाहते हैं, आओ मुस्तफा जाने रहमत से दिल लगाओ। आओ अगर इश्क करना है तो मुस्तफा जाने रहमत से करो। आओ प्यार करना है तो मुस्तफा जाने रहमत से करो। आओ दिल देना है, मुस्तफा जाने रहमत को दो। आओ नशा करना है, इश्क मुस्तफा का नशा करे। आओ किसी पे मरना है तो उन पर मर के देखें। आओ किसी से तसव्वुर में बात करना है तो उनसे बात करके देखें। आओ किसी के लिए बिलखना है उनके लिए बिलख के देखें। आओ किसी के लिए आए भरना है उनके लिए आए भर के देखें। आओ किसी का दीवाना बनना है उनका दीवाना बन के देखें। आओ किसी का इश्क का सौदा सर में समाया है तो उनका दीवाना बन करके देखें। क्यों? इसलिए कि कोई किसी का दीवाना बना तो बदनाम हो गया, कोई किसी का दीवाना बना तो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। लोग यही तो कह रहे हैं खुदकुशी क्यों हो रही है, तो कहा इश्क को छुपाया बर्दाश्त न कर सका, इसलिए रेल की पटरी के पीछे नीचे जाकर के कट गया। इश्क को छुपाया बर्दाश्त न कर सका, इसलिए कुएं में छलांग लगा के मर गया। इसको छुपाया बर्दाश्त न कर सका, इसलिए जो है अल्लाह अकबर जहर की पुड़िया खाने पे मजबूर हो गया। अल्लाह अल्लाह, फिर कहा और अगर बताया, इतना रुस्वा हुआ, इतना रुस्वा हुआ कि गले गली के अंदर सर उठा के चलने के काबिल न रहा। इश्क ने किसी को जेल की सलाखों के पीछे भिजाया, इश्क ने किसी को खुदकुशी करवाया, इश्क ने किसी को पागल और मजनू बनाया, इश्क ने किसी को दीवार में चुनवाया, इश्क ने किसी की इज्जत को खाक में मिलाया, इश्क ने किसी की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर दिया, इश्क ने किसी के तख्त और ताज को छीन लिया, इश्क ने किसी के नसब और हसब का भी जो है वो अता पता खत्म कर दिया, इश्क ने किसी की कब्रों का निशान भी मिटा दिया। मैंने कहा पागल हो गए, ऐसों से इश्क करते जो ये दिन दिखाता है। आ जरा उससे इश्क करें, आ जरा उससे इश्क करें, आ जरा उससे आंख लड़ाए, आ जरा उससे आंख मिलाए, आ जरा उससे बातें करें, आ जरा उसका तसव्वुर करें, आ जरा उसका तखय्युल करें। जिसके इश्क को छुपा लो तो छुपाने वाला उवैस बन जाता है। मंजिल पर फाइल हो देते हैं। अगर कब्र में रख दिया जाए तो कब्रों का निशान
निशान भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं इश्क जलील करवाते हैं, मैंने कहा हम उसकी इश्क की दावत देते हैं जिससे इश्क करो तो जमीन के ऊपर लोग अदब करते हैं और कब्र में जाओ तो फरिश्ते ताजीम करते नजर आते हैं। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह हू अकबर। लोग कहते हैं इश्क जला के राख बना देता है, मैंने कहा वो इश्क करता क्यों जो जला के राख बना दे। आ वो इश्क करे जो जान की एक सीर है, कब्र में भी कफन मैला नहीं होता, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूल अल्लाह की। आओ वो इश्क करे गमों से निजात मिलेगी। लेकिन इश्क मैं उस इश्क की बात नहीं करता जो आजकल मेरी सुन्नी कौम कर रही है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि बड़ी माजरत के साथ खानका में बैठा हूँ, खानका में नहीं भी हूँ तो मिंबर रसूल का अल्लाह की बारगाह में जवाब तो देना होगा। अगर मैं तुम्हें ये कह दूँ सुन्नी जन्नती तो आप अभी खुश होकर के पता नहीं कितनी दुआएं दे पड़ेंगे। लेकिन ये ऐसी बातें जो है वो मैं आपके सामने करने नहीं आया क्योंकि खिताबत मेरा पेशा नहीं है, मेरी इबादत है। तिजारत अवाम से की जाती है, इबादत खुदा की की जाती है। तिजारत करो तो नजर अवाम पर होती है, इबादत करो तो निगाह यार पर होती है। तो मेरी निगाह इस वक्त यार पर है। मैं वो इश्क की दावत देने कभी नहीं आया जिसके अंदर दाढ़ियां भी चेहरे पे न हो। वजह क्योंकि आशिक महबूब के नक्शे कदम पे होता है। आप भी मेरे जाने के बाद चाहे मुझे जितना कोसते लेकिन हकीकत यही है आशिक। अच्छा ये भी नहीं कह रहा हूँ उसका मफ़ूम मुखालिफ मुराद मत देना, तो जो दाढ़ी नहीं रखते वो मुस्ताक है या गद्दार है ये भी कोई बात नहीं ठीक। लेकिन इतना मुझे पता है कि जो आशिक होता है वो महबूब की किसी बात को क्रॉस नहीं करता, बस मुझे इतना समझता है। हाँ बस इतनी बात है। अगर कोई आशिक हो के फजर में सोता पड़ा है मैं नहीं कहूँगा कुछ। रसूलुल्लाह ने पूछा हुजूर आप क्या कहते हैं, उतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की ये तसव्वुफ की अव्वलीन किताबों में है, ये निसाब है तसव्वुफ का निसाब। आजकल हमारे यहाँ तसव्वुफ रंग का नाम है, कलर की टोपियाँ सूफिया, जुब्बे के कलर सूफिया, तसव्वुफ जुब्बे और टोपी के कलर का नाम नहीं है, तसव्वुफ अल्लाह के रंग का नाम है जिसको कुरान कहता है सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा। अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं। ये काले पीले रंगरेजों के रंग की बात नहीं, ये उस हकीकी रंग की बात है जिसका जिक्र कुरान करता है और वही तसव्वुफ है। और वो रंग ऐसा रंग है कि जो बंदा उस रंग में रंग जाता है तो फिर किसी का रंग उस पर असर नहीं करता। और वो रंग है इश्क़े मुस्तफा का रंग, वो रंग है शरीयत मुस्तफा का रंग, वो रंग है वफादारी मुस्तफा का रंग, वो रंग है कुरान मुकद्दस की आयतों का रंग, वो रंग है हदीस मुस्तफा पे अमल का रंग। अल्लाह अकबर। ये इश्क की बात नहीं करता जो नातों में तो झूम सकते हो और अंगूठों को 50 बार चूम सकते हो लेकिन फजर में उठना उनके लिए दुश्वार होता है, उस इश्क की बात नहीं करता। हमारे मस्तक में अंगूठा चूमना मुस्तहब है, मुस्तहब है और वो आशिकों की अलामत है, अलामत इश्क है। अलामत में और हकीकत के फर्क है, बुरा मत मानना, मैं इसीलिए थोड़ा सा बदनाम सा हुआ जाता हूँ लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। अलामत और हकीकत में फर्क है। अमरेली पहुंचे वहां लिखा हुआ था सावरकुंडला 40 किलोमीटर ठीक, सावरकुंडला पे नजर पड़ी 40 किलोमीटर पे नजर नहीं पड़ी क्योंकि बात हो रही थी हाफिज अकरम साहब से। तो किसी दीवाने ने कहा सावरकुंडला आ गया, नहीं बापू अभी बाकी था देख पाटी सावरकुंडला सावरकुंडला नहीं है ये अमरेली का, मैं नहीं मानूंगा। पाटी लगी है ना, पत्थर लगा है ना, फिर क्यों नहीं
बादशाहों का शहजादे बना ली, बापों का शहजादे बस बात के शहजादों का शहजादे, यही है सावर। अरे नहीं मेरे अजीज, ये पढ़ी है, ये तकती है, ये लिखा है ना, लिखे को मानो कि तेरे बके को मानो। तो कोई अकलमंद दानिशमंद आके कान पकड़ता है, सावर कुल्ला 40 किलोमीटर, ये अलामत है हकीकत में, जाने की अलामत है, हकीकत नहीं है, हकीकत अभी 40 किलोमीटर दूर है। अगर पूरी जिंदगी भी उस पार्टी को देखकर अमरेली में घूमता रहे, तुझे कभी अपना पीर नहीं मिलेगा, जिसे दादा बापू ने मिलेगा नहीं मिलेगा, वो पार्टी देखेगा ये तो सावर कुल्ला है, तो कहा तो सावर कुल्ला पहुंचे ही नहीं, तो तुझे यार में मिलना कब है, है? फिर कब मिलेगा, जब तू इस ये अलामत की बजाय तू हकीकत पे सफर करे। मेरे अजीज, नाते रसूल अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं है। अंगूठा चूमना अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं है। मिलादुन नबी में झंडा लगाना अलामत इश्क है, हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत इसके आगे है, अलामत के बाद हकीकत आती है। जो अलामत तक पहुंचा, अगर वो वहीं रुक जाए तो नाकाम है, उसको आगे बढ़कर हकीकत की तरफ जाना चाहिए। अगर यही हकीकत होती इश्क की, तो हमजा का कलेजा क्यों चबाया जाता? अगर यही हकीकत होती इश्क की, तो हुसैन भी कोई झंडा लगा लेते सर अपने घर पर, करबला तक क्यों जाते? लेकिन हुसैन जानते थे अलामत अलामत है, हकीकत हकीकत। अलामत आसानी से मिलती है, हकीकत सर कटाने के बाद मिला करती है। अलामत आसानी से मिलती है, हकीकत सफर के बाद मिलती है, मशक्कतों के बाद मिलती है। तो हम अलामतों में गुम हो गए। मैं अलामत का मुनकिर भी नहीं हूँ, लेकिन हकीकत इसके बाद है, हकीकत इसके बाद है। तो हम अलामतों में गुम हुए। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कुतुल कुलूब की हदीस है, शेख अबू तालिब मक्की लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सावर कुल्ला वालों और गिर्द नवा से आने वालों ध्यान से सुन लो, इश्क किसे कहते और आशिक की तारीफ हुजूर खुद करें। हम क्या करें, हमारी क्या औकात, हम तो खुद मांग रहे हैं। 39 साल की उम्र हो गई मांगते मांगते कि अल्लाह आशिक रसूल बना दे, कभी अपने आप को हमने आशिक समझा नहीं। लेकिन कोई पूछता है आशिक है तो डर लगता है, अगर हाँ कहूँ तो झूठ ना हो जाए और ना कहूँ तो कुफ्र ना हो जाए। अगर हाँ कहूँ तो डर है कि झूठ ना हो जाए, और ना कहूँ तो, क्योंकि जो आशिक नहीं वो काफी है ना। तो अगर कोई ये कहे कि मैं आशिक के रसूल नहीं हूँ, तो फिर उसके सर पर तो कोई तलवार और ही लटक रही है ना। तो इश्क के बगैर तो ईमान ही नहीं, लेकिन अपनी हालत खुद जानता हूं ना, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जिन्होंने अलामतों में अपने आप को डुबा दिया और शो भी किस्मत बुरा हो, अहले मिंबर की चापलूसी का, कि उन्होंने तुम्हारे पाप और जराइम के बाद भी तुम्हें थप्पड़ देकर के कहा कि तुम जन्नती हो। आशिक रसूल तो यकीनी जन्नती है, इसमें शक क्या है, जन्नत उसकी मुतलाशी है, लेकिन कोई आशिक बने तो ना। इश्क किस चिड़िया का नाम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, तो साहिब कुतुल कुलूब लिखते हैं कि जो मुझसे इश्क का दावा करे, इस हदीस के आईने में खुद सब अपने आप को देख ले, मुझे नहीं पता कौन क्या है, मैं कोई फैसला करने नहीं आया ना, कोई मैं मुफ्ती हूँ, मैं तो सूफिया के दर का गुलाम और भिखारी हूँ, जो उनका पैगाम लेकर के आया हूँ इस खानकाह में, बल्कि गुलाम अली सरकार को सबक सुनाने आया हूँ, मैं मेरी क्या औकात है। अगर मैं मुकर्रर और खतीब भी होता तो मेरी औकात न थी यहाँ खड़े होने की, लेकिन मैं तो हूँ भी कुछ नहीं, यहाँ तो सिर्फ सबक सुना करके सनद लेने के लिए आया हूँ कि कुछ खैरात मिल जाए, अली के बेटे से, गौस पाक के शहजादे से। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं, जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात को सोता रहे, जो मुझसे इश्क का दावा करे, ध्यान से सुनो, जो मुझसे
रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो झूठा है, झूठा वो कसाब है कसाब, जिसके इश्क के दावेदार थे वो महबूब खुद कह रहा है कि वो झूठा है, अगर पूरी रात सो रहा है तो वो झूठा है। तो या रसूल अल्लाह सच्चा आशिक कौन है? तो बताया जा रहा है आशिक को नींद कब आती है, जिसको माल की मोहब्बत हो उसको माल सोने नहीं देता, जिसको यार की मोहब्बत हो उसको यार कब सोने देगा। हम कैसे आशिक है? आका फरमा रहे कि पूरी रात जो सोए वो झूठा है इश्क के दावे में, जो फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है, मस्जिदों को वीरान कर दे उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है। आशिक तो आग में छलांग लगाता है यार की खुशी के लिए। ये कैसे आशिक है कि इतनी सी दाढ़ी जिसका वजन छटाक भर भी नहीं हो सकता, ये इतना सा वजन ना उठा सके इश्क के अंदर। वहां तो खैबर उखाड़ लिया गया, उसका वजन उठा लिया गया इश्क वाले ने, इश्क वाले ने 40 मन का दरवाजा उठा लिया। अल्लाह को परवास कहते 70 मन का, और बास तो कहते उठा के ढाल बनाया ढाल। मैं कहता हूं ये पहलवान सिपाही का काम नहीं है, ये सिर्फ कुश्ती इश्क के रसूल की करामत है। कमजोर हो के दाढ़ी का वजन उठा ना सके, उसको आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? आशिक तो वो होता है जो यार के सिवा किसी को देखना भी गैरत इश्क के खिलाफ समझता है। सुनते जाए, ये जो इश्क की बात पर विलायत मिलती है ना, ये वो विलायत, ये वो इश्क नहीं है जिसको भग लेके बैठे। बड़ी माजरत के साथ जिस दिन मौत से आके बद होगी तब पता चलेगा कि आशिक था के मक्कार था। खुद के बारे में उस दिन बात, अभी तो आंखें बंद है ना, आंखें खोल के आंखें बंद है, जिस दिन आंखें बंद होगी उस दिन आंखें खुलेगी, पता चलेगा दाढ़ियां मुंडाकर नबी को नहीं खुद को धोखा दे रहा था, नमाजों को तर्क करके आशिक रसूल कहला करके नबी को नहीं खुद को धोखा दे रहा था, सूद के धंधे और हराम कारोबार करके मैं किसी और को नहीं खुद को धोखा दे रहा था। हाँ हाँ अल्लाह अकबर, मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो हीरोइन की फोटो रख करके इश्क मुस्तफा का दावा करके गंदी पिक्चरें मोबाइल के अंदर जो है वो मजबूत से मजबूत और मुश्किल से मुश्किल पासवर्ड के अंदर छुपा छुपा के रखता था। मैंने कहा इससे बढ़कर भी कोई बेवफाई होगी, इससे बढ़कर भी कोई बेवफाई होगी, इसलिए कि जिसकी निगाह से वो तेरा महबूब, जिसकी निगाह से खुदा की ज़ात पर छुपी, उसकी निगाह से तेरे मोबाइल के मजामीन और उसके मनाजिर क्या छुप सकते हैं। अरे आशिक तो वो होता है, तू देख रहा है गंदी फिल्म, तू देख रहा है माज़ अल्लाह हराम, तू डूबा हुआ है हराम में, तू डूबा हुआ है नाफरमानी में। आप जरा देख सिद्दीक अकबर को, उस पुश्तैश के रसूल को, सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटा करते थे, सबसे आखिर में तवज्जो करना किस इश्क की बात में कर रहा हूं, सबसे आखिर में रसूलुल्लाह से हटा करते थे, सब सहाबा घर को चले जाते, आखिरी में ये जाते और जा करके घर जाते, किसके घर में बीवी नहीं, किसके घर में बच्चे नहीं, किसके घर में राहत नहीं। इंसान को सुकून मिलता है तो सिर्फ दो घरों में, या तो अल्लाह के घर में या तो खुद के घर में, बाकी कहीं सुकून नहीं मिलता। लोग मुझसे कहते हैं बाबा कभी आराम के लिए मेरे घर आए, मैं हंस के कहता हूँ आराम घर से ज्यादा तुम्हारे घर में मिल कैसे सकता है, मुझे आराम की हाजत होगी तो मैं अपने घर में करूंगा, इसलिए कि अपने घर से ज्यादा आराम कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए कि जो वहां मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए कि वहां मां की मुस्कुराहटें हैं वो लाए कहां से, वहां बीवी का तबस्सुम है वो लाए कहां से, वहां बच्चों का प्यार है वो लाए कहां से, वहां बेतकल्लुफियों का माहौल है वो लाए कहां से, वहां दीवार शिकन ले रहे हैं लाए कहां से, बहुत दिनों के बाद दौड़ कर जाने के शिकवे हैं उसकी अलग लज्जतें वो लाए कहां से। ये अपनी अलग लज्जतें हैं जो इंसान को या तो खुद के घर में मिलती है या तो खुदा के घर में मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती। किसी का उठना, किसी का मनाना, किसी का रोना, किसी का आंसू पोंछना, किसी का उठ के खड़े होना, किसी का हाथ पकड़ के बिठाना, ये याद
अगुवाई कर रहे हैं। आशिक को घर से ज्यादा वो इंसान को घर से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता। सिद्दीक अकबर आखिरी में घर आते हैं और घर पहुंच कर बीवी देखी, बच्चे देखे, खाना देखा, पीना देखा, घर की दीवार निकल गए। निकल क्यों? घर में दिल नहीं, ये इश्क है। अपने घर में दिल नहीं लगता, ये इश्क है। निकल आए बाहर हुजूर की चौखट पे, तो हुजूर का दरवाजा तो बंदा गिर चुका है। हुजूर घर के अंदर है, बुला नहीं सकते, बेअदबी है, जा नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि माहौल खलबतों का है। तो सिद्दीक के ऊपर वही बैठ जाते, अपने घर में करार नहीं है, वही बैठ। बीवी का मुंह देख कर करार नहीं, बच्चों का मुंह देख के करार नहीं। क्यों? यार से प्यार इतना है। बैठे नहीं, बैठे बैठे आंख लगी तो यार की चौखट पे सर रख दिया और वही पड़ गए। लोग मुसल्लों पर सर झुका रहे, ये डरे यार पे जब साई। इश्क की ये मंजिलें आती है, इश्क की ये मंजिलें। तो सिद्दीक को मैं सर गर्दन रख दी। सुबह हुई, दरवाजे से पर्दा उठा, हुजूर ने देखा यार एक गार पड़ा हुआ है चौखट पे। अबू बकर, क्या जरूरत तुम्हें यहाँ लाई है? अर्ज की, आका कोई और जरूरत नहीं, आपके बगैर घर में भी दिल नहीं लगता, आपके बगैर किसी को देख के चैन नहीं आता, करार नहीं आता, इसलिए घर छोड़ के यहाँ आ जाता हूँ कि जब सुबह होगी अबू बकर सबसे पहले किसी को देखेगा तो अपने यार को देखेगा, और अबू बकर का यार सबसे पहले अगर किसी पे नजर डालेगा तो अपने अबू बकर पे नजर डालेगा। जरा तवज्जो तो करे, सिद्दीक को बीवी देखकर सुकून नहीं मिलता, वो आशिक सच्चा आशिक जिसके इश्क की तस्दीक और ताईद कुरान और हदीस में की है। हम कैसे आशिक? हम गंदी फिल्मों में डूबे हुए। हम कैसे आशिक? दाड़ियां मुंडाने में डूबे हुए। हम कैसे आशिक? हम गंदगी और पाप में डूबे हुए। हम कैसे आशिक? कितने जवान है जिनके अफेयर के चक्कर नहीं है, हंसने की बात नहीं। अरे जिसको यार का पता मिलता है वो तो जन्नत से मुंह फेरता है। जिसको यार का पता मिलता है वो जन्नत से मुंह फेरता है। मैं जन्नत लेके क्या करूं? जिसको यार का पता मिलता है वो हौज़े कौसर से मुंह फेरता है। जिसको यार का पता मिलता है वो जन्नत की नेमतों से मुंह फेरता है। आपके लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, मैंने कहा अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, 24 सदी के मुजद्दिद से पूछ। इसको मोहब्बत के नाम लोग कहते हैं, शरबत न दे न दे, जन्नत का शरबत नहीं देता, न दे शरबत, न दे ना दे तो करे बात लुत्फ से। शरबत ना दे, ना दे तो करे बात लुत्फ से, ये शायद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर। आशिक तो जन्नत की नेमतों को तकना नहीं चाहता यार के सामने, इसलिए कि यार देखने से जी नहीं भरता। अब फिल्म किस मुंह से देख रहे हैं? गंदे मनाजिर इश्क का दावा करके किस मुंह से देख? कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे? मुझे तो डर लगता है कि जब कब्र में मर के पड़े रहेंगे, जहाँ दोस्त यार भाई भतीजे भांजे सब छोड़ के चले जाएंगे, उस वक्त तो आना हुजूर ही में है, उस वक्त तो तशरीफ लाना हुजूर ही में। अगर हुजूर आए और आकर के पास फरमाया, मक्कार मुनाफिक इश्क का दावा करके गुनाहों के तीर मेरे सीने में चलाता था, इसलिए कि मैं नहीं कहूं अल्लाह का फरमान है, जिम्मेदार अपनी गुनाहों का खुद हो। फरमाया तुम्हारे गुनाहों से मेरा दिल दुखता है। मक्के के काफिरों के पत्थर हुजूर के जिस्म को छलनी करते थे, और कलमा पढ़ने वालों हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचा। नबी का दिल दुखाए, हराम खाके, शराब पीके, जिना करके, सट्टेबाजियां करके, औरतों से मोहब्बतों और नाजायज इश्क के ताल्लुकात बढ़ाके, वो कौन जो रसूलुल्लाह के दिल को छलनी करे, उसको भी आशिक रसूल कहलाने का हक है? वो भी आशिक रसूल होंगे? अपने आप का एहतिसाब करो, तौबा करो, माफी तलब करो। आप कहेंगे फिर आशिक कौन होता है वो बता दे। चले मैं बता देता हूँ, एक बार फिर आगे चलते हैं। आशिक में ये कहा था जुमला, फिर इतनी लंबी हो गई, आशिक महबूब का कहना कभी तोड़ता नहीं। आशिक महबूब का कहना वो नामुमकिन भी हो तो नहीं तोड़ते, उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े तो भी नहीं तोड़ते। मंजिले इश्क यही है, मंजिले इश्क यही है। आइए चलते हैं और बात
समेटते जरा, लंबी होती है थोड़ा, दूसरे उमान की तरफ भी बढ़ना है। एक मरतबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी कुछ मुरीदों ने शिकायत जी, हजरत आप है पीर, पीर के लिए सब बराबर, जब ते को जब फरीद 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 मेरा फरीद मेरा फरीद मेरा फरीद, ये क्या सरकार? बाबा कुतुब ने फरमाया ठीक है, मेरा फरीद कहना बुरा लगता है ना, कभी बता दे ये फरीद है क्या चीज, इसलिए कि महबूब की नजर में सब रहते हैं क्योंकि वो साथी होता है ना, हाँ उसकी नजर सब पे है, मेरा फरीद मेरा फरीद। तुमको बताता हूँ फरीद क्या है। एक दिन दिल्ली में कड़ाके की सर्दी थी, ऐसी ठंडक, वो भी दिल्ली की ठंडक, आजकल की भी बर्दाश्त नहीं होती, मकाना बिल्डिंगे बनने के बाद, जब दिल्ली तो था ही ठंडा सा, तो एक तरफ जमुना है और फिर दरियाओं का एक अजीब माहौल और मामला है, फिर बाजू में कश्मीर की ठंडी हवाएं, बर्फबारी का वो माहौल, अभी भी कश्मीर में बर्फ बरसती है तो दिल्ली ठंडा हो जाता है, इतनी बस्ती के बाद भी, तब तो बस्ती उठी बरती, कड़ाके की सर्दी, आधी रात हो चुकी, लोगों के घर के अंदर चूल्हे बुझ चुके, क्योंकि मगरिब बाद लोगों के चूल्हे बुझ जाते थे, वहां से चूल्हे जलते थे उस दौर में, 900 साल पहले की बात, कमोबेश ठीक। पर मैं फरीद, बाबा कुतुब ने कहा फरीद, ठंडी बहुत लगती है बेटे जी, बाबा साहब फिर मुझे आग चाहिए बेटा, आग तापना है थोड़ा, ठंडक दूर करना है, आधी रात के बाद, आजकल का मुरीद होता और कहता हजरत आप आधी रात के बाद आग मारे सब चूल्हे बुझ चुके होंगे, अभी कहा फिर सुबह देखोगे, जो भी कहता जो भी कहना है ठीक है ना, जो कम अल्लाह रसूल की बात न माने थे उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अल्लाह उम्मीद भी नहीं है, नहीं इकबाल मायूस अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जखेत है साथ, ये मिट्टी को बस नम होने की जरूरत है। तो हुआ क्या, बाबा साहब ने फरमाया फरीद आप तापनी है मुझे, आग चाहिए, आग मैं ठीक है हजरत में लाता हूँ, आधी रात को इधर निकले दिल्ली की गलियों में, उधर बाबा साहब ने बाबा कुतुब ने एक सेगड़ी दूसरे मुरीद को इशारा करके कहा ले जा और चिल्लाना आग ले लो आग, आग ले लो आग, और जब ये कहना कि आग चाहिए तो ऐसे मत देना, उसको कहना ये कान काट के दे फिर तुझे, और ये बात किसी को मत बताना। सरकार बाबा कुतुब के इशारे पे दूसरा मुरीद निकला, ये चले इधर उधर ढूंढने तो पीछे से आ रहा था, आग ले लो आग, आग ले, आग खुश हो गए आग दे दो भाई, ऐसे नहीं देंगे, बहुत कीमती आग है, क्या तो जितना लेना है ले लो, क्या नहीं आग काट के देनी पड़ेगी, आग काट के दे तब आग मिलेगी, तब बस इतनी सी बात है, यार के लिए एक आग क्या, यार के लिए एक आग क्या, अगर मेरे मुर्शिद के लिए हजारों आके भी कुदरत देती कुर्बान करना पड़ता तो ये सौदा सस्ता था, इस पे इसका नाम है मेरे भाई, इसकी लज्जत हमने नहीं चखी, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम तो सिर्फ किस्से कहानियों में उलझे हुए और तारीख के औराद गवाह इस पर लोग कुछ भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन हजरत फरीदुद्दीन ने आँख काट करके उसके हाथ पे रख दी और पट्टी बांध ली आँख पर, पट्टी बांध कर आए आग दी और सीधा उजड़े में, क्योंकि आँख काटने का दर्द तो कोई मामूली था, अगर पीर के सामने बैठा रहूंगा तो दर्द से बर्दाश्त नहीं होगा, तो पीर पूछेगा क्या उपाय, जब इश्क में कुर्बानी दी जाती है तो जताया भी नहीं जाता, पट्टी बांध करके गुजरे में पीर में तो आग अपना क्या समझे, सुबह फजर की नमाज में हाजिर हो गए, देख रहे थे आग कट गई है रात को, आधी रात के बाद सुबह फजर में फिर हाजिर है, इसलिए कि तो पीर का इतना वफादार हो अपने नबी का जितना वफादार हो, बात ये है आए नमाज के बाद सारी मस्जिद भरी हुई है, बाबा साहब पहली सब में सरकार कुतुब ने करवाया बेटे फरीद आपको क्या हो गया, अब मस्जिद है पीर पूछ रहे हैं, झूठ भी नहीं बोल सकते बताना भी नहीं, झूठ भी नहीं बोल सकते बताना भी नहीं है, क्योंकि इश्क गैरतमंद होता है यार के सिवा कुछ नहीं, ना मैं देखूं, हाँ ना कोई
बात होती है, अल्लाह करे मेरी कौम इश्क सीख ले। आमीन। हाँ आमीन। अल्लाह करे वो इश्क के छींटे हमें, मुझे और आपको नसीब हो जाए, हमारे मुकद्दर समझ जाए। क्या हुआ? अर्ज करते हैं, अब झूठ भी नहीं हो, बात भी बच जाए, तो कहा बाबा साहब आंख आई है। इस एक टुकड़े में इतनी गहराई थी कि कहती आंख आई है। कुतुबुद्दीन ने हाथ रख के कहा आंख आई नहीं है, ये तो सवाई है। सवाई का मतलब क्या? आंख आने का मतलब होता है आंसू में चश्म, और भी माना होते हैं। और कहा सवाई का मतलब, यानी जो एक थी ना एक, अब वो एक नहीं हो गई, एक से वो सवा हो गई। हाथ रखा जब पट्टी खुली तो दर्द खत्म था, और एक आंख, इस आंख से एक आंख बड़ी थी। इसीलिए हमारे सूफिया कहते हैं बाबा फरीद की औलादों में बाबा फरीद की औलादों में जो फरीद ही होंगे, आज भी उनकी निशानी ये है कि उनकी आंखें अक्सर बड़ी बड़ी होगी। पीर के लिए इश्क में जो कुर्बानी दी थी, एक आंख कुर्बान की, पीर ने कयामत तक के लिए आंखों का हुस्न अदा कर दिया। इश्क में असल कुर्बानी देता है सिला नस्लों को मिलता है। इश्क में असल कुर्बानी देता है सिला नस्लों को मिलता है। नहीं देखा कबूतरी और कबूतर ने अंडे दिए, एक ने कुर्बानी दी, पूरी नस्ल को सिला क्या मिला? कयामत तक की औलाद हरमैन शरीफैन की मुकीम और मकीम। देख रहे हो, इश्क की कुर्बानी का सिला ये है। हसन और हुसैन ने कुर्बानी दी कयामत तक के। अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी हस्तियां नस्ल के मुकद्दर में लिख दी गई, बड़े बड़े मर्तबे लिख दिए गए। तो अब आप मुझे बताएं, इश्क में ये कुर्बानी दी जाती है, हमने क्या कुर्बानी दी? कुरान कहते हैं लदीना आमनू, वली की पहली पहचान के आशिक होता है, मोमिन होता है। हाँ, गैर आशिक कभी वली, क्योंकि वो जब उठेगा ही नहीं फजर में, तो रातों को क्या जगेगा? वो फिल्में देखेगा तो वो कुरान कब पढ़ेगा? है ना? जब वो महबूब की याद में नहीं रहेगा तो उसको फिर वो हरारतें कहां से नसीब होगी मंजिलों की? तो अगर गमों से निजात चाहते हो तो आशिक बनो, हर गम से निजात मिल जाएगी। और दूसरी सिफत, वह कानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डरने वाला होता है। अब अगर कोई मुझसे पूछे वली की पहचान क्या है, तो दो चीजें, इसी में बात मुकम्मल। वली की पहचान क्या? दो चीजें, वो आशिक रसूल होता है और वो अल्लाह से डरने वाला होता है। अब अल्लाह का डर क्या है? इश्क होता है तो गैरत है। इश्क में आदमी इबादत करता है, तवज्जो करना बहुत ख्याल से, इश्क इबादत करवाता है, इश्क इबादत करवाता है, और खौफ गुनाह से रुकवाता है। इसलिए कि जो सिर्फ इबादत करेगा, गुनाह के दरवाजे खुले रहेंगे, गुनाह कर सकता है। लेकिन जो गुनाह नहीं करेगा, वो किस वजह से नहीं करेगा? अल्लाह के खौफ की वजह से, खशियत की वजह से। आज हमारे अंदर जो गुनाहों के हवाले से दिलचस्पी है, जो बुराइयों के हवाले से दिलचस्पी, बड़ी वजह दिलों से खौफ खुदा का उठना। आपको कौन ऐसा मुसलमान है जो अल्लाह से नहीं डरता? मैं कहता हूँ, अल्लाह से डरने वाले के बारे में इमाम गजाली से पूछा गया, अल्लाह से डरने वाले की पहचान क्या है? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, मालूम कैसे करें कि इसके दिल में अल्लाह का डर है? इमाम गजाली कहते हैं, जो शख्स अल्लाह की मना करदा चीजों से रुक जाए, समझ लो कि ये अल्लाह से डरने वाला। आज हम कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, हमें डर नहीं लगता। अगर सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो मुंह में अंदर गुटका बना हुआ है और थूक है, लेकिन है सीसीटीवी कैमरे की जद में तो मुंह का थूक भी हम जमीन पर नहीं डालते, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में, सीसीटीवी कैमरा देख रहा है अपने जैसा इंसान, तो हम वह गुटके का थूक नहीं थूकते, क्योंकि हम वो देख रहा है सीसीटीवी कैमरा, और अल्लाह देख रहा है। तो जिना भी हो रहा है, अल्लाह देख रहा है, झूठ भी हो रहा है, अल्लाह देख रहा है, हराम कारोबार भी हो रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जितना अपने जैसे इंसान की तू इज्जत कर रहा है, अगर तूने उतनी भी इज्जत अल्लाह की नहीं की, तो फिर तुझे मुसलमान कहलाने का हक है। बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते, और अल्लाह देख रहा है तो क्या क्या कर रहे हैं? कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह हू अकबर,
वो अल्लाह के वली थे जो अल्लाह से डरने वाले थे। कैसे डरते थे? हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला, दो चार बातें ध्यान से दिल के कानों से सुन ले। अल्लाह के डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले बंदे कैसे थे? सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी, आपको खून का पेशाब होता था, आपके पेशाब के रस्ते से खून निकलता था। मुरीदीन को पता चल गया, मुरीदों ने कहा सरकार इलाज कराएं अच्छी हकीम से, आपके खून से पेशाब निकल रहा है। बायजीद ने कहा बेटा मेरे इस पेशाब का इलाज कोई हकीम और कोई तबीब नहीं कर सकता। कहा क्यों? फरमाया ये खून की जो पेशाब होती है किसी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि मुझसे बचपन में गुनाह हो गया था, मैंने बचपन में गुनाह कर लिया था। जब याद आता है कि कयामत के दिन अल्लाह जब उस गुनाह के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, तो अल्लाह के खौफ की वजह से मेरा जिगर पिघलने लगता है और पिघल करके पेशाब के रास्ते से बहता है, तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, वो खून का पेशाब नहीं होता, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के खौफ की वजह से जो मेरा जिगर पिघलता है वो जिगर पेशाब के रास्ते से बहता है, इसलिए तुम समझते हो कि खून का पेशाब हो रहा है, वो जिगर का बहना है खुदा के खौफ की वजह से। एक गुनाह ना करदा, वो जिसको गुनाह कह रहे वो गुनाह है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का ये ख्याल है। आप मुझे बताएं तो सही, अल्लाह हो अकबर, मेरी कौम अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े रहेगी? बड़ी माजरत के साथ हमारे मिंबरों से पढ़ा जाता है कयामत में जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूँ मेरे अजीज को क्या देखेगा? कयामत का मंजर तुम्हें याद है, तुम्हें पता है? अगर नहीं है तो एक इशारा कुरान की रोशनी में दे दूं, वो जिब्रील सैयदुल मलाइका, वो जिब्रील सैयदुल मलाइका जिसने हर नबी के पास हाजिरी दी, हजरत आदम से लेके खातिमुल अंबिया तक, गोया के हर नबी के वो सहाबी हुए। लेकिन अल्लाह हु अकबर, कयामत का मंजर कुरान जो बयान करता है, यौम यकुमुर रूह वल मलाइका सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, अल्लाह हु अकबर, कुरान कहता है कि जब कयामत का दिन होगा तो जिब्रील अमीन और उनके साथ सारे मलाइके सफ ब सफ अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे, अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। उस दिन किसी को कलाम करने की जुरत नहीं होगी। हम तो ये कह रहे हैं ना, हम अल्लाह को इंसाफ देंगे, अल्लाह से बातें करेंगे, अल्लाह हो अकबर, वहां हाल क्या है? हदीस कह रही है आदम से लेके ईसा तक हर नबी की जबान पे नफसी नफसी हो गई, जामिया नफसी नफसी कहेंगे। मुझे एक रिवायत यहाँ याद आई, अल्लाह करे किसी के दिल में बैठे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ईसा को खुदा का बेटा कहती है, उनकी अम्मी को खुदा की बीवी कहती है, इस एतबार से ईसाई लोग तीन खुदा मानते हैं। अल्लाह जानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सबक उनको कभी नहीं पढ़ाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो पैदा होते ही कहीं नहीं अब्दुल्ला में अल्लाह का बंदा आतानी किताब, मुझे किताब दी गई है ना, और मैं अल्लाह का नबी हूँ, उन्होंने तो खुद ही ऐलान किया कि अल्लाह नहीं अल्लाह का बंदा और नबी हूँ। लेकिन उनकी कौम ने गढ़ लिया ईसा अल्लाह का बेटा, ईसा अल्लाह का बेटा। अब कयामत का दिन होगा, सुन ले हदीस रिवायत, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन अल्लाह बाप इस इंसान को खत्म कर रहे, हिसाब लेने के लिए नहीं, हिसाब लेने के लिए नहीं, इल्जाम खत्म करने के लिए। और आप जानते हैं इल्जाम खत्म करना ये एताब के लिए नहीं होता, ये तो मोहब्बत की अलामत है। वाह वाह वाह, कि भाई ईसा पे जो इल्जाम लगाए कि उन्होंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, आज कयामत में वो क्लियर हो जाए, ईसाई झूठे साबित हो जाए, अल्लाह अपनी अदालत में हजरत ईसा को तलब फरमाएगा और कहेगा ईसा ये जो आपके मानने का दावा करने वाले ईसाई थे, ये कहते हैं आप खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है, तो ये सबक तुम्हें पढ़ाना चाहिए। एक सवाल अल्लाह एक ही सवाल करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में हजरत ईसा के उस पाक दामनी और मासूमियत के इजहार के लिए एक सवाल करेगा, ईसा आपके लिए नहीं, बार बार इस पर गौर करना, घर जाकर आंखों को आवारा करने वाले, यतीमों का माल अपने पेट में हराम की शक्ल में डालने वाले, शॉर्ट इजी मनी के चक्कर में जंगली रमी को प्रमोट करने वाले नौजवान, इजी मनी के चक्कर में हराम और हलाल की तमीज न करने वाले नौजवान, आंखों को तस्कीन देने के लिए किसी के हुस्न को तकने वाले जवान,
किसी की बेटी को लेके भागने का प्लान बनाने वाले जवान जरा दिल के कानों से किसी का दर्द सुने। जनाब ईसा खुदा की अदालत में है और हिसाब के लिए नहीं सिर्फ इल्जाम के खात्मे के लिए उनकी बरात के लिए अल्लाह पूछेगा, तुमने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। ये एक ही सवाल जब हजरत ईसा से अल्लाह फरमाएगा, रिवायत में आता है कि ईसा अलैहि सलाम के जितने बाल होंगे बाल अल्लाह के खौफ की वजह से हर बाल से खून से फुहारे निकलेंगे। हिसाब नहीं हो रहा है, इल्जाम से बरी करने के लिए अल्लाह पूछ रहा है एक सवाल जो उन्होंने किया भी नहीं था, उनके हर बाल से खून की फुहारे निकलेगी। जो मासूम है उससे अल्लाह पूछ ले तो उनका ये हाल है। हम जैसे मुजरिम जिन्होंने पूरी पूरी रात जराइम में गुजारी, जिन्होंने पूरी पूरी रात गुनाहों में गुजारी, अल्लाह को अकबर, अपना अंजाम क्या होगा, अपना हाल क्या होगा। मेरे अजीज मेरे भाई, जिस गौसे पाक की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे वो भी कहते थे मौला अगर अब्दुल कादिर के आमाल अच्छे नहीं हो तो क़यामत में अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि तेरी बारगाह में शर्मिंदगी से बच जाऊं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद करबला का ऐनी मुशाहिद, ऐनी मुशाहिद अल्लाह हू अकबर, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा, रसूलुल्लाह ने जिसकी पैदाइश की बशारत दी, मौला अली के हकीकी पोते हुसैन इब्ने अली के हकीकी बेटे अल्लाह हू अकबर, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमामुल अइमा है। जब रो रहे थे घर की छत पर बैठ कर, छत पे बैठ के इसलिए रो रहे थे ताकि किसी को खबर हो, छत पे बैठ के रो रहे थे तो रोते रोते आंसू इतने निकले कि छत के पन्नाने से गिरने लगे गली में, तो किसी को पता नहीं था कि ये गुजर ये आंसू या पानी है। अब पानी गिरे तो आदमी को शक होता है ना, पाक है कि नापाक है, तो उसने कपड़े समेट के कहा ये कैसा पानी है, उसने कपड़े समेट के कहा ये कैसा पानी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कपड़े समेट ले, एक पापी और गुनहगार के आंसू है, कहीं तेरे दामन से ना लग जाए और तेरे दामन को दागदार ना। ये उनकी खशियत थी। बात को एंड करते हुए अर्ज करो, आज जब बात कही जाती है मौलाना हमें इतना ना डराए, इतने खौफ की बात ना करें, क्यों? इसलिए कि हम तो गौसपाक के दामन से वाबस्ता हैं, गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता है, मदार पाक के दामन से वाबस्ता है, वारिस पाक के दामन से वाबस्ता है। मैंने कहा अल्लाह ये वाबस्तगी आपकी भी सलामत रखे और मेरी भी सलामत रखे। एक बात सुन ले दिल के कान से, मैं और आप जिनसे वाबस्ता हैं वो लोग जितने बड़े हैं उनसे भी बड़ी बात करना चाहता हूँ। ये जितने नाम हमने लिए ना ये सब शहजादे हैं उस सरकार के जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। वो साहब हैं सैयदना इमामुल अइमा हजरत इमाम जाफर सादिक के साथ। मैं इसी पे बात मुकम्मल कर दूंगा। आपकी अदालत में फैसला, आशिक कौन, खाशे कौन, अल्लाह से डरने वाला कौन, हमारी तबीयत क्या, हम अपनी जन्नत और जहन्नम के फैसले हम खुद करने लगे। कोर्ट में मुकदमा होता है तो हमारी दिल की धड़कन तेज होती है, जज क्या फैसला करेगा, है ना। दुनिया की कोर्ट जहाँ रिश्वत देके मामला चलते हैं, मुजरिम बेगुनाह हो जाता है और बेगुनाह मुजरिम बन जाता है, उन कोर्टों के फैसलों से हमारे दिल की धड़कन तेज है, फैसला क्या होगा। कल कोई कहता है कल मेरे आपके फैसला ये आएगा कि मैं बरी हो जाऊंगा, मुझे भाई इज्जत बख्श, बोलो कोई बोलता है मुजरिम, नहीं बोलता। दुनिया की कोर्ट जहाँ रिश्वत चलती है वहाँ के फैसले के लिए दिल धड़क रहे हैं, और खुदा की अदालत जहाँ किसी का मुंह नहीं देखा जाएगा, ना जहाँ रिश्वत चलेगी, ना खानदान ना कबीला ना कित्ता कुछ नहीं चलेगा, वहाँ के लिए अल्लाह के फैसले से पहले, यानी जो वहाँ फैसले का इजहार होगा, वहाँ जो फैसले का इजहार होगा उससे पहले हम फैसला कर चुके हैं कि हम जन्नत की है। यानी आपके पास इल्म गैब आ गया है कि हम जन्नत की है। आप मुझे बताएं ना कि जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है तो आप कौन सी जन्नत दिखा के लाए, मैं कौन सी जन्नत दिखा के लाए। आप कभी इसका खौफ भी तो करें कि हमें वुजू का तरीका नहीं आता मेरे भाई और हम घमंड कर रहे कि हम जन्नत की, हमें नमाजें पढ़ना नहीं आती और हम घमंड करें कि हम जन्नत की। कहाँ हो गुलाम अली बाबू के उर्स में आने वालों, मैं उस शहजादे वाला तबार का जिक्र करने लगा हूँ जिसे दुनिया इमाम जाफर साबित कहती है, वो सैयद जिसका
शजरे नसब दोस्त दुश्मन सबको याद है। जाफर सादिक बेटे मोहम्मद बाकिर के, इमाम मोहम्मद बाकिर बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो बेटे इमाम हुसैन के, और वो बेटे इमाम अली के, और वो शौहर सैयदा फातिमा के, और वो बेटी रसूल ने, ये उनका नसब। और जाफर सादिक कौन? रातों को सोने वाला शख्सियत नहीं। इमाम मूसा काज़िम कहते थे मेरे अब्बा हर रात 300 से 700 रकअत नमाज़े रोजाना पढ़ते थे। पहले इमाम जाफर सादिक का तारुफ सुन ले, जिनके कूड़े की आदम करते सुन ले। पहले जाफर सादिक कोई मामूली हस्ती नहीं, जिसकी जूतियां सीधी करने के लिए 100 मरतबा को 100 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखने वाला इमाम, थोड़ा इस पर तवज्जो करो, जिसकी जूतियां सीधी करने के लिए 100 मरतबा खुदा को ख्वाब में देखने वाला इमाम, करोड़ों हनफियों का इमाम, रमजान शरीफ में 61 मरतबा कुरान खत्म करने वाला इमाम, इमामुल अइमा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा नौमान बिन साबित अबू हनीफा, जिस जाफर सादिक की जूतियां सीधी करता है, जब सीधी करने वाला जूतियां सीधी करने वाला इमाम आजम, इमाम आजम मस्जिद का दो एकड़ का इमाम नहीं, करोड़ों हनफियों का इमाम, दाता अली हुजवेरी का इमाम, निजामुद्दीन औलिया का इमाम, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का इमाम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इमाम, इमामों का इमाम, वलियों का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम महदी जब आखिरी जमाने में आएंगे, आप जो फैसले करेंगे वो मजहब इमाम आजम के मुशाबे फैसले करेंगे, जिसका मसलक कयामत तक चलेगा। अगर दूसरे मसलक के शाफई हनफी अगर शाफई मालिक की हम्बली लोग अगर नहीं सुन रहे हो, और अगर सुन रहे हो तो वो बुरा नहीं माने, हमारे यहाँ हनफियों का ये है कि ये 4 नहरों में से 3 नहरें जाकर कहीं ना कहीं रुकेगी, कयामत तक जो नहर जाएगी उसे हनफियत कहते हैं। वो इमाम, अब बताएं वो जिसकी जूतियां सीधी करे, वो जाफर सादिक किस शान के होंगे, किस शान के, थोड़ा वो सुनने का किस शान के, और फिर खौफे खुदा उनका बात एंड को पहुंचती, किस शान के। एक मरतबा उनका पड़ोसी घर बेच रहा, शान देखो उनकी कूड़े की न्यास कर, शान देख, और ये गौसे पाक से पहले गौसे थे खुदरा के पाइस में, इमाम जाफर सादिक गौस पाक से पहले के गौस, हाँ इसको समझ नहीं आता है। आप पड़ोसी से सुनते हैं कि वो घर बेच रहा है, पड़ोसी आता है, हजरत मैं चाहता हूँ आपको बेचूं, लेंगे आप? तो मैं लेंगे, कितने में लेंगे? तो मैं देख सीधी सीधी बात लिखती हूँ कि तू अपना घर मुझे दे दे, उसके बदले में मैं जन्नत में महल तुझे देता हूँ। यानी ऐसी शख्सियत जो लोगों को जन्नत का महल दे, और ये जो कब्रिस्तान में बैठ के गांजा चरस पीकर जो तुम्हारे पास लंबी लंबी छोटे चुनन देते, वैसी बात नहीं है, ये बिल्कुल पक्की पक्की की बात है। हाँ ये बात, वो महल देता है तू, हजरत कोई करार तो करना पड़ेगा ना, लिखी पड़ी करनी पड़ेगी गाय, लेकिन उस दौर के लोग इतना इतमाद करते थे अल्लाह वालों का, वो कहते तो अपना घर दे दे जन्नत में मैं तुझे महल देता हूँ। उसने कहा लिख के दे दे, आपने लिख दिया, मैंने इसका घर खरीद लिया और उसके बदले में इसको जन्नत का महल दे दिया। आप ये साथ खरीदी बिक्री के मामला करके चले गए हज को, उस दरमियान में हो गया उसका इंतकाल, इसका जिसने घर बेचा था उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो उसने वसीयत कर रखी थी कि ये रुका मेरे कफन में रखू, उसने वसीयत, यकीन भी पक्का होना चाहिए भाई लोग, जिससे जुड़े हो ना उस पर यकीन पक्का होना चाहिए, शक और तरद्दुद वाला मामला नहीं। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, लोग कहते हैं ये गायब नहीं है, और उसकी तकरीर में लफज जपा के तो मान लेते हैं इल्मे गैब नहीं है, फिर दूसरे दिन सुन्नी आलिम की तकरीर सुनी इल्मे गैब है, उनका हाँ है, लेकिन हाँ नहीं की जिंदगी कब तक गुजारोगे,
कभी एक जगह बिकवाइए जब गिर मौकम बगीरे दर को मजबूत करो। किसी ने कह दिया अपनी तरह बशर है, तकलीर में लपक जब मैं तो मान लिया अपनी तरह बशर है, फिर कोई आकर देखा खैरुल बशर है, फिर दलील दे जिनका नहीं खैरुल बशर है, तो इसी में जिंदगी गुजरेगी। अरे कह क्यों नहीं दे रहे सिद्दीक अकबर का, तू नबी की जो शान बयान कर रहा नबी इससे बहुत बुलंद है। चले गए हज को, वो शख्स इंतकाल कर गया, उसने कहा था कफन में रख देना, हज से वापस आए उसके वारिस खड़े हुए, इमाम साहब को कहा हजरत हमारा घर जो था मैं तो खरीद चुका, कितने में खरीदा था, कहा वो उसको बुला उससे पूछ का तो उसका तो इंतकाल हो गया उसके वारिस से, कहा वो मैंने उसको जन्नत दिया था उसके बदले में घर दिया था, ये भी कोई खरीदी होती है, ऐसी कोई खरीदी होती है। फरमाया मैंने उससे सौदा किया, जाओ उससे पूछो, वो मर गया उससे क्या पूछे, कहा पूछो जाओ उसकी कब्र पे जाओ। उसकी कब्र पे गए तो रुका जो कफन में रखा था और घर वालों ने अपने हाथ से वही रुका कब्र पे रखा हुआ था, एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी कि मैंने इसको जन्नत में घर दिया दुनिया के घर के बदले, दूसरी तरफ उसकी हाथ की तहरीर थी जाफर सादिक सच्चे हैं मुझे जन्नत में अपना महल मिल चुका है, तो दुनिया में लोगों को जन्नत देता हूँ उस पीर की बात करो जाफर सादिक। अब सुनना इस मकाम और इस शान पर फाइज होने वाले इमाम जाफर सादिक, जब लोग उनसे मुसाफा करते थे तो आप उनके हाथ पकड़ कर कहते थे कि मुझसे वादा है, जो मिलने आते थे लोग हम लोगों से जैसे मिलते तो ऐसे लोग उन लोगों से मिलते थे जैसे अपने उलमा मशाइख से लोग मिलते, तो लोग हाथ मिलने आते थे तो आप हाथ पकड़ते थे और कहते थे वादा कर अगर कयामत के दिन अल्लाह तुझे बख्श देगा और तेरी मगफिरत करेगा तो तू मेरी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर देगा कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे। लोग मंजर ये बात सुनकर रोते थे, हजरत आप तो सैयद हो, आपके नाना शफीउल मुस्लिमीन हैं, आपके नाना शाफी यौमुल मशहूर हैं, तो इमाम जाफर सादिक रोते थे, कहते थे यही तो रोना है कि हम सैयद हैं, हम अपनी निस्बत को याद करके रो रहे हैं, इसलिए कि हमारे आमाल ऐसे नहीं है कि हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं, हम अपने नाना को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए हम तुमसे कहते हैं अगर तेरी मगफिरत हो गई तो मेरी सिफारिश कर देना और अगर मेरी हो गई तो मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा। 700 रकात एक रात में नमाज पढ़ने वाले जाफर सादिक, इमाम आजम के उस्ताद, वो इमाम जाफर सादिक कहते नाना को मुंह क्या दिखाएंगे और हम क्या कह रहे जो होगा देखता है, हमने काम किया। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह वालों के आस्ताने पर आने का मकसद न सैर है न तफरी है न फजूल बातें न हंसी मजाक है, यहाँ आने का मकसद अल्लाह को याद करना, आखिरत की फिक्र करना, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना और अगर कुछ गलतियां हो गई तो इन बुजुर्गों को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, यही मकसद है उर्स का। आओ अगर आज से पहले कुछ हो गया है तो रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राजी करो और ये अहद करके जाओ इंशाल्लाह आज तौबा कर रहे हैं। तौबा का मतलब ये है जैसे थन से दूध निकलता है तो दोबारा फिर थन में वापस नहीं जाता, ऐसे ही तौबा करने वाला जब गुनाह से हिजरत करता है गुनाह की तरफ से निकलता है तो फिर वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जाता, यही सच्ची तौबा है। जो ऐसी तौबा करते हैं अल्लाह उनको अपना मकबूल और अपना महबूब बना लेता है। मैं आखिरी बात अस करने चला था लेकिन एक बात मुझे याद आ गई तो उसको पेश करके अपने उनवान से मुतालिक है कि आप ये मत सोचो, ये दिमाग से निकाल दो कि मैं बहुत पापी हूं, हम पापी जरूर हैं लेकिन हमारे पाप और हमारे जराइम अल्लाह की रहमत से बढ़कर नहीं है, उसकी बारगाह में कितना भी बड़ा पापी तौबा करे कितना भी बड़ा पापी तौबा वो माफ करे, उसने किसी के लिए तौबा का दरवाजा बंद नहीं, किसी के लिए बंद नहीं किया। उस अल्लाह की शान को देखो कि कयामत के दिन जब अल्लाह की रहमत का इजहार शैतान देखेगा तो शैतान उचक उचक करके अपना मुंह दिखाएगा कि मैं भी हूं, तो अल्लाह बताएगा क्या चाहता है तू,
तो कहेगा मौला तू सबको बख्श दिया, अब मैं बचा हूं अकेला, मेरा भी कुछ फैसला कर दे, बख्श दे मुझे भी, अल्लाह बनाएगा तुझे भी बख्श देंगे। शर्त सिर्फ एक है, तौबा कर, उसको उस वक्त तौबा की मोहलत दी जाएगी। अब तौबा का तरीका उसके लिए होगा कि जिस आदम के सजदे से तूने इनकार किया था, आज फिर उस आदम को सजदा करने में तुझे भी बख्शूंगा। जिस खुदा के यहां भाई गुनाह उसने सिर्फ किया नहीं, पूरी दुनिया से गुनाह करवाए, वो सिर्फ जानी ना था, जना करवाने वाला, उसने क्या नहीं किया है, उसकी फेरिस्त बयान करते बैठे तो उसकी बयान होगी। लेकिन अल्लाह उसको भी कयामत के दिन फरमाएगा, मेरे आदम को सजदा कर ले, तुझे बख्श दे। ये अल्लाह है, ये उसकी रहमत है, ये उसका करम है, जो शैतान के लिए रास्ते खुले रखता है, वो हमारे लिए रास्ते कब बंद करेगा। लेकिन ये भी हदीस में आया है, अल्लाह की शान, फिर अल्लाह की शान है, लेकिन अल्लाह कहेगा सजदा कर आदम को, वो मकरूह फिर करके कहेगा नहीं करता, फरना फिर तेरा ठिकाना जानना नहीं है। लेकिन इतना तो सोचो अल्लाह के यहाँ कैसा करम है, सबसे आंच लगाने वालों उस खुदा की तरफ भी तो आओ, सबके दरवाजे पे दस्तक देने वालों उस खुदा की चौखट पे दस्तक दे के देखो, सब पे यकीन करने वालों मेरे अल्लाह के दर पर यकीन करके देखो कैसा करीम है। तो कैसे कैसे लोगों ने तौबा की, क्या मर्तबे मिले, जो एक करना था इस पर। ये बात भी मैं जो बयान कर रहा हूँ दुर्रतुल नासिहीन से पढ़ रहा हूँ, दुर्रतुल नासिहीन बड़ी मशहूर किताब है तसव्वुफ की, वहां से इसको पढ़ रहा हूँ। एक जवान था, ये अपने अल्फाज की जान में पढ़ा, इसलिए मैं तकलीफ याद करके नहीं आता, इसलिए मैं इबारत लफ्ज बलफ्ज नहीं कर सकता, न मेरे पास इतना वक्त है याद करने का। तो और किताब और खिताब में मैं फ़र्क समझना चाहता हूँ, ये किताब वो होती है जिसमें हुरूफ तरतीब से होते हैं, और खिताब को होता है जिसमें मजमे की अक्ल के मुआफिक मजमून को समझाने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं इबारत बतौर बिल्कुल नकल नहीं कर सकता, लेकिन मफहूम बिल्कुल वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। ठीक है, अपने अल्फाज के जाने में हसन नाम का एक जवान, मैं नासिम से रहा, हसन नाम का एक जवान खूबसूरत बन गया, इतना खूबसूरत है, इतना हसीन और जमील है हसन कि लोग देखते तो देखते हो। हसन के घर वालों ने एक दिन हसन से कहा, हसन बाजार जाओ कोना चीज का। हसन बाजार गए, बाजार में खूबसूरत लड़की आई थी, हसन की नजर उस लड़की पे उठ गई, हसन ने लड़की देखी और देखते ही रह गए हसन। भाई कोई हुस्न वाला किसी हुस्न वाले को देखकर अगर देखता ही रह जाए तो इससे पता चले कि वो किस मजहब का हुस्न होगा, कि साहेब हुस्न किसी के हुस्न में मुब्तला होगा, है ना। हसन के पास इतना हुस्न है कि वो खुद हसन है, और लड़की देखी उसके हुस्न में मुब्तला हो गए हसन। लड़की ने गुस्से से कहा, क्या देख रहा है, तू कितनी खूबसूरत, जब आदमी किसी पे फिदा हो जाए तो फिर वो बहुत सी चीजें भूल जाता है, वो बहुत बहादुर हो जाता है, तू कितनी खूबसूरत, अल्लाह से नहीं डरता तू, अल्लाह से डर, मुझे क्या देख रहा है तू, अल्लाह से डर देख रहा है। साहिब दुर्रतुल नासिहीन ने लिखा है, उन्होंने कितना हिसाब किया वो जाने, लेकिन उन्होंने कहा कि हसन उस लड़की के हुस्न में इतने डूब चुके थे कि लड़की ने कहा अल्लाह से डर, तो उस जुमले का भी वो सुबह हुस्न में डूबने की वजह, जो मैं जुमले मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आगे कुछ और कहना नहीं है। हाँ, हुस्न में लड़की के हुस्न में इतने डूब चुके थे हसन, मुझे दरिया की तरह लगती है, दिल चाहता है इसमें कुछ गोते लगा दे। लड़की ने कहा मेरी आंखें तुझे अच्छी लगती है, कहा तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत करुख, अभी मैं तेरे इस इश्क और मोहब्बत का सामान करती हूँ। लड़की घर गई, एक बूढ़ी कनीज को कुछ दे करके भेजा और कहना जा कह देना कि एक लड़की को तुम तक रहा था उसने तोहफा दिया। हसन खुश हो गए,
कि मेरी पहली मोहब्बत का तीर निशाने पे जाके लगा, तोहफा भी आ गया, लेकिन जैसे ही उस प्लेट से, उस कष्ट से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, दो कटी हुई आंखें। हसन ने कहा ये क्या है? उस बूढ़ी कनीज ने कहा, मेरी मालिका ने कहा कि जो खूबसूरत आंखें मर्दों को मेरे हुस्न में मुब्तला कर दे, वो आंखें मैं अपने माथे पर कभी नहीं देख सकती, मुझे अंधी बन के रहना तो गवारा है लेकिन मुझे पापी बन के रहना गवारा नहीं है। हसन इस वाक्य से इतना मुतासिर हुए, वो पड़े, हसन तेरी वजह से कोई नाबीना हो गई, इतनी खूबसूरत लड़की का मुस्तकबिल क्या होगा, उससे कौन निभा करेगा, कौन निकाह करेगा। रोते रहे, रोते रहे, किसी की इस्तेकामत किसी को बदलती, रोते रहे, रात रोते रोते गुजरी। एक दिमाग में ख्याल आया, जुमला याद रखना, दिमाग में ख्याल ये आया, जुर्म बंदे का करके, जुर्म बंदे का करके माफी खुदा से मांगना, ये भी कोई इंसाफ है? खुदा तो ऐलान कर चुका, खुदा तो ऐलान कर चुका कि बंदों को सताने वालों, जब तक बंदे तुम्हें माफ नहीं करेंगे मैं भी माफ नहीं करूंगा। ये नमाज रोने का मसला नहीं, चाहे तो माफ कर दो, चाहे तो सजा दो। जब तुम बंदों की हक तलफी करते हो तो जब तक बंदे माफ नहीं करेंगे मैं भी माफ नहीं करूंगा, ये तो ऐलान हो चुका। तो दिल बंदे का दुखा के, जुर्म बंदे का करके, हक तलफी बंदे की करके माफी खुदा से मांग रहा है। किसी की खुशियों को लूट करके खुदा से तो खुशियों का सवाल कर रहा है। फौरन उठे, मुझे उस लड़की से माफी मांगनी चाहिए। जब उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसके घर की तरफ गए तो देखा कि जनाजा उठ रहा है, किसी का जनाजा उठ रहा है और लोग आंसू पोंछ रहे। हसन ने पूछा किस बुजुर्ग का जनाजा है? कि पूरा मोहल्ला सो दुआ है। तो कहा ये लड़के किसी बुजुर्ग का नहीं, हमारी कौम की बागैरत बेटी का जनाजा, हमारे मोहल्ले की बागैरत बेटी का जनाजा है। अब किसका? कहा सुना है कि सुबह, कल सुबह घर वालों ने बाजार भेजा था और कोई लड़के ने उसको देख लिया, उसकी आंख की तारीफ कर दी, तो उस लड़के को उसने आंख काट के भिजा दिया कि मेरी तरफ न देखना, मुझे अंधी बन के रहना तो गवारा है लेकिन पापी बन के रहना गवारा नहीं है। आंखें काट के भेज दी लेकिन जज्बात में तो ये काम कर दिया, आंखें कटने के बाद दर्द बर्दाश्त न कर सकी, तड़प तड़प करके जान दे दी, उसी का इंतकाल हुआ है। उसी बागैरत बेटी का जनाजा लेकर हम जा रहे हैं कि हमारे कौम में ऐसी भी बेटियां हैं जो इतनी बागैरत है। हसन ने मुंह पर हाथ रख करके दारो कथा रोना शुरू किया। हसन तो ये सोच रहा था ना कि तेरी वजह से कोई अंधा हो गया, अंधा नहीं हुआ, तेरी वजह से किसी की जान चली गई। दो फितनों ने कि तू कितनी खूबसूरत है, तेरी आंखें झील सी है, मैं उसमें डूब कर गोते लगाना चाहता हूं। दो फितनों ने किसी की जान ले ली। हसन तेरे दो जुमले किसी को कत्ल कर गए, तेरी मोहब्बत का पहला तीर किसी का कातिल बन गया। हसन घर लौटे और उस लड़की की इस्तेकामत और उसकी खशियत और उसकी गैरत का तसव्वुर करके फिर हसन ने कहा, मौला जब मेरी जिंदगी के ये दो जुमले किसी को कत्ल कर गए, किसी की जिंदगी खत्म कर गए, आज के बाद तुझसे अहद करता हूं कोई औरत तो औरत है, अब किसी मर्द को भी नजर भर के नहीं देखूंगा। और जब हसन ने सच्ची तौबा की, हसन ने जब सच्ची तौबा की, फिर उसी हसन को दुनिया ने इमाम हसन बसरी के नाम से जाना। वो मौला अली के डायरेक्ट मुरीद और खलीफा है, गौसे पाक के भी पीरों के पीर है और गरीब नवाज के भी पीरों के पीर है, जुनैद बगदादी के भी पीरों के पीर है, बायजीद बुस्तामी के भी पीरों के पीर है, मदार पाक के भी पीरों के पीर है। कोई चिश्ती, कोई नक्शबंदी, कोई सरवर्दी, कोई रफाई ये नहीं कह सकता कि हसन के बगैर मैं मौला अली तक पहुंचा हूं। मौला अली ने हसन बसरी पे इतना करम किया कि उन्होंने इल्म सीखा, तक्वा इतना इख्तियार किया कि मौला अली कहते थे जिस महफिल में हसन हो उस महफिल में किसी को खिताब करने का हक नहीं, जिस महफिल में हसन बसरी हो उसमें कोई माफ नहीं कर सकता, कोई नसीहत नहीं कर सकता। और मेरा रसूलुल्लाह जो जुब्बा लेकर आए थे वो जुब्बा हजरत मौला
हसन बसरी को अता करता हूँ। ये मरतबे मिले, ये मकाम हुए, ये अजमतें हुई। पहले की जिंदगी देखो, तौबा के बाद के मकाम देखो। आओ हम भी तौबा करें, अल्लाह की तरफ पलटे। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, उस तौबा पर इस्तेकामत दे। इस कदर के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।